नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा मित्तल है। आज हम समोसे बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मैदा, वो हमने 4 कप लिए। इसमें डालने के लिए हमें चाहिएगा नमक और घी। चाहे तो आप डालना का मामला लगाएं, चाहे देसी घी का, तो मैंने देसी घी रखा है। इसको पिघला के हम इसमें डालेंगे जब आटा मारेंगे। और मसाले के लिए हमें चाहिए, ये आलू लिए मैंने छोटे साइज़ के, ये 8 आलू हैं, थोड़ी सी मटर, करीब 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च बारीक बारीक काट लिया। आपको थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो आप और डाल सकते हैं इसमें। थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू, इनको हमने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर और 1 पिंच हींग और नमक स्वाद अनुसार, ये सब चाहिएगा हमें। मैदा में नमक डाल देते हैं, 1 टीस्पून नमक डाल दे, ठीक रहेगा एकदम। और ये थोड़ा सा बैल बना के बीच में, और ये 1/4 कप देसी घी का मोहन डाल देते हैं। आप डालडा का भी डाल सकते हैं अगर आपको देसी पसंद नहीं है, लेकिन अगर घी का मोहन डालेंगे तभी अच्छा बनेगा। अगर तेल का डालेंगे तो ठीक नहीं बनेंगे, या तो उस पर ऐसे दाने दाने से निकल आते हैं जो वो हो जाएगा, थोड़ा मैदा पतली हो जाएगी, उतना टेस्ट भी नहीं आएगा। लेकिन आप घी कोई सा भी डाल लें जो आपको पसंद हो। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर। उसको हम हाथ से क्रम्बल कर लेंगे, और ये ऐसे ही होना चाहिए जैसा ही लग रहा है, ब्रेड क्रम जैसा, तभी वो घी ठीक है। अगर इसका टेक्सचर ऐसा नहीं है तो उसमें घी कम या ज़्यादा कुछ है। अभी अच्छी तरह मिक्स हो गया घी इसके अंदर। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मार लेंगे। बहुत ढीला नहीं मारना, हमें थोड़ा टाइट ही मारना है इसको। जैसे कचौड़ी का आटा हम ढीला मारते हैं, लेकिन इसको टाइट मारते हैं। आटा हमारा तैयार हो गया, तो हम इस आटे को करीब 20 मिनट के लिए रख देंगे, फिर समोसे बनाएंगे। जब तक आटा सेट होगा हम मसाला बना लेते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें काजू फ्राई कर लेंगे, जो हमने टुकड़े तोड़े हुए हैं इसके। बहुत तेज गैस पर हम इसको नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के से ठंडे से घी में शुरू कर देंगे। ये जो घी हमने देसी लिया था, पिघलाया था, उसी में से बचा हुआ घी है, उसी में हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। अब घी थोड़ा ठंडा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको बहुत हमें लाल नहीं करना, हल्का सा, बस जरा सा कलर चेंज होगा उतार लेंगे, क्योंकि उतारने के बाद भी इसका एक शेप चेंज हो जाता है, डार्क हो जाएगा। किशमिश को भी इसको हमें पूरा फुलाना नहीं है, बस हल्का सा डाल के और निकाल लेना है, बस निकाल लेते हैं उसको। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे पहले। ये धनिया कढ़ाई थोड़ी तेज है, इसको हटा लेंगे इसमें से। सौंफ, लाल मिर्च, गरम मसाला और ये हींग रह गई है, इसको भी डाल लेते हैं। इसको एक साइड पे डाल देंगे जहाँ पे हमारा मसाला नहीं है घी के अंदर, थोड़ी ज़्यादा बड़ी पिंच हींग की। और इसको वापस पर रख देते हैं ऊपर गैस के ऊपर, मिक्स करके। और इसके अंदर हम पहले मटर डाल देंगे। मटर फ्रोजन है, इसमें अदरक हरी मिर्च डाल देंगे। ये भून गया, ज्यादा नहीं भूनना हमको इसको। अब ये आलू जो है इनको हमें बिल्कुल एकदम अच्छे से मैश नहीं करना है, तोड़ देना है बस, क्योंकि बहुत मैश किए आलू अच्छे नहीं लगते मसाले में। छोटा छोटा तोड़ लेंगे। ये हमारे आलू सारे डलेंगे इसमें, और इनको हम भून लेंगे। नमक रह गया है इसमें और अमचूर, दो चीज़ रह गई है। ये नमक, इसमें करीब 1/4 चम्मच नमक डाल दिए, स्वाद के अनुसार है आपको जितना अच्छा लगे। और ये अमचूर,
थोड़ी देर भूनेंगे, खाली मिक्स नहीं करना है हमें, थोड़ा वो खुशबू नहीं आएगी जो आनी चाहिए। मसाला भुनने की सबसे अच्छी पहचान ये है कि जब हम घी के अंदर ऐसा सामान डालते हैं और जब ये आलू डालते हैं तो सारा घी सूख जाता है, घी तेल जो भी आता है, लेकिन जब ये भुन जाएगा अच्छी तरह उसके बाद ये फिर थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर देगा, कढ़ाई में नीचे चिकनाहट आने लगेगी, तो इसका मतलब भुन गया मसाला। हमारा ही मसाला तैयार हो गया, इसमें काजू किशमिश डाल देते हैं जो हमने फ्राई किए थे। चलिए गैस बंद कर देते हैं, हम मसाला हमारा तैयार है, इसे भूनने में हमें करीब 3 मिनट लग गए। मसाला हमारा तैयार हो गया, आटे को भी 20 मिनट हो गए, अब हम समोसे बनाने शुरू करेंगे। अब हम बनाना शुरू करते हैं। आटे को मैंने इस बर्तन से ढक के रखा हुआ था, आप चाहें तो कपड़े से गीले थोड़े से सीले से कपड़े से ढक के रख दें, क्योंकि अगर आप खुला छोड़ देंगे तो आटा सूख जाएगा। छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे हम इसकी। बहुत छोटी लोइयां नहीं बनाएंगे क्योंकि एक लोई में से हम 2 समोसे तैयार करेंगे, जितने बड़े साइज के हमें समोसे बनाने उसके हिसाब से हम लोइयां तोड़ेंगे। थोड़ा सा लंबी शेप में हम इसको बेलेंगे, एकदम गोल नहीं बेलेंगे। उसको हम बीच में से ऐसे काट लेंगे, जो लंबाई की जगह ऐसे। ये मैदा को थोड़े से पानी में घोल लिया है, 1 टीस्पून मैदा लेके, ताकि चिपकाने में आसानी रहे। वैसे तो हम पानी से भी कर सकते हैं लेकिन मैदा ठीक से चिपक जाता है। हम उसको उठाएंगे और ये जो कटी हुई साइड है इसको ऐसे पकड़ के ये और प्रेस कर देंगे इसे ऐसे। यहाँ भी हमने मैदा पहले से लगाई हुई है, अब लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि ये पोर्शन थोड़ा चौड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पर एक फोल्ड दे सकते हैं, मैं दूसरे में करके दिखा दूंगी आपको। छोटा समोसा बनाया ये हमने बच्चों के हिसाब से, उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे छोटी छोटी चीजें। इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसकी बैक साइड पर एक हल्का सा इसी के सामने फोल्ड दे देंगे और अब इसमें हम मसाला भर लेंगे। अगर आपको ये आगे का इसका पोर्शन बड़ा बनाना है तो आप मसाला थोड़ा कम भर लें और ये थोड़ा ज़्यादा सा ऐसे बन जाएगा। ये हमारा समोसा एक और तैयार हो गया।
अब इस तरीके से हम सब समोसे बना लेंगे, जैसी शेप हमें पसंद हो, छोटी बड़ी वैसे हम बना लेंगे। अब हम इसको तल लेते हैं। बहुत तेज़ भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अभी हमको पलटेंगे नहीं, जब ये थोड़े से सिक जाएंगे तब पलटेंगे। अभी समोसों को हम थोड़ा थोड़ी देर में पलटते रहेंगे और उनको सेकते रहेंगे। गोल्डन जब तक ये नहीं होंगे हमें इन्हें सेकना है, टाइम लगेगा इन्हें सिकने में। समोसे हमारे अब सिक गए हैं, इनको सेकते हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से, इनको हम निकाल लेते हैं। हमारे समोसे अब तैयार हैं, आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर कीजिए। ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज और टिप्स के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।